आप सभी स्टूडेंट्स का मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स यूनिवर्सिटी के करंट अफेयर्स के एनजी के क्लास में स्वागत है। आज की तारीख 6 तारीख है, 6 जुलाई, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज करंट अफेयर्स कुछ मैं इस प्रकार से लेके आया हूँ। लास्ट तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के रैंकिंग के अंदर पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर और गुजरात फोर्थ स्थान पर। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रेबीज टीके का सफल परीक्षण कब किया गया था और कौन से देश में किया गया था? तो इसका उत्तर होगा रेबीज टीके का सफल परीक्षण सन 1885 में लुईस पाश्चर ने फ्रांस में एक बच्चे के ऊपर सफल परीक्षण किया था, जिसके बाद में उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निराश्रित, निर्धन, आरक्षित व अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं को एक गवर्नमेंट के द्वारा कन्यादान के रूप में राशि दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है बताएं, क्या राशि, कितनी राशि दी जाती है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट पास है, जो लड़की ग्रेजुएशन कर रखी है कन्या ने, उसको 51,000 रूपए, जिसने 10वीं पास कर रखी है उसे 41,000 रूपए, और जिन्होंने 10th से जो नीचे है, जिन्होंने 10वीं पास नहीं कर रखी, उनको 31,000 रूपए आर्थिक सहायता के रूप में, कन्यादान के रूप में राशि दी जाती है, और एक परिवार में दो ही कन्याओं को ये राशि देने का प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून साल 2022 की बेरोजगारी दर क्या रही है? तो इसका उत्तर होगा जून साल 2022 की बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों में 1.03, शहरी में 7.30, व भारत की जो जून साल 2022 की बेरोजगारी दर है वो 7.80 रही है, और इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो रही है वो हरियाणा के अंदर 34.11 रही है, और अगर बात करें सबसे कम बेरोजगारी दर तो वो है एमपी के अंदर 0.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में दो आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो ये आप कहां पर खोले जा रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के देराजसर व ग्राम सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय प्रस्ताव को मंजूर मिली है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हैंडबॉल टीम ने पहली बार स्लोवेनिया में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। भारतीय हैंडबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, जो कि स्लोवेनिया में खेली गई थी, और इसके अंदर भारतीय टीम का 26वां स्थान रहा था, और ये प्रतियोगिता 2 जून से लेकर 3 जुलाई तक चली थी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है इसमें राजस्थान के भी 3 खिलाड़ी शामिल थी, जिनका नाम है वर्षा, पूजा, और इसकी जो हैंडबॉल की जो कोच थी उनका नाम मनीषा है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हैंडबॉल संघ के सचिव का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा यश प्रताप सिंह। राजस्थान हैंडबॉल संघ के सचिव का नाम यश प्रताप सिंह है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्रिकेट इतिहास में पहली बार महिला और पुरुष क्रिकेटरों को बराबर मैच फीस दी जाएगी, यह ऐतिहासिक फैसला कौन से देश ने लिया है? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड एसोसिएशन ने पहली बार यह फैसला लिया है कि महिला और पुरुष क्रिकेटरों को बराबर मैच फीस दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्योलॉजी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको जितना उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे रेगुलर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।